तो इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 T20 मैचों की सीरीज का तीसरा T20 मुकाबला गुवाहाटी के बारासपारा क्रिकेट स्टेडियम में, यह मुकाबला 28 नवंबर ट्यूजडे को शाम 7 बजे यानी कि 7 PM पर दोनों टीमों के बीच एक बार फिर कड़ाके की टक्कर होने जा रहा है। हालांकि दो मुकाबले में टीम इंडिया शानदार जीत हासिल किए तो ऑस्ट्रेलिया टीम को करारी शिकस्त झेलनी पड़ी है दोनों मुकाबले में। अब तीसरा मुकाबला देखना होगा कि कौन सी टीम जीतती है। हालांकि तीसरा मुकाबला अगर टीम इंडिया जीत गई तो T20 सीरीज अपने नाम ये कर लेगी। तो एक फ्रेंड्स बात करने वाले इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया हेड टू हेड रिकॉर्ड, पिच रिपोर्ट्स, बोर्ड टीम प्लेइंग 11, मैच प्रिडक्शन यानी कि कौन सी टीम जीतेगी और कौन सी टीम हारेगी। तो फ्रेंड्स बने रहिए वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखें, वीडियो भी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो ये फ्रेंड्स बात कर तो हालांकि टीम इंडिया में यशस्वी जायसवाल, ऋतुराज गायकवाड़, ईशान किशन काफी फॉर्म में दोनों मुकाबले में चले हैं। हालांकि पहले मुकाबले में यशस्वी जायसवाल कुछ खास नहीं कर पाए, तो ईशान किशन और सूर्य कुमार यादव के बदौलत पहला मुकाबला टीम इंडिया शानदार जीत हासिल की थी। हालांकि ऑस्ट्रेलियाई टीम के जॉस इंग्लिश ने पहले मुकाबले में शानदार परफॉर्म किया था। अब वही फ्रेंड्स बात करें हेड टू हेड रिकॉर्ड की, हालांकि इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच टोटल 28 T20 मुकाबला खेला जा चुका है जिसमें टीम इंडिया ने 17 मुकाबले में बाजी मारी, तो ऑस्ट्रेलियाई टीम ने भी 10 मुकाबले में जीत हासिल कर पाई है। हालांकि एक मुकाबले का कोई रिजल्ट यानी कि कोई परिणाम नहीं निकला था। तो यह है फ्रेंड्स दोनों टीमों की हेड टू हेड रिकॉर्ड। तो वही फ्रेंड्स पिच रिपोर्ट्स की बात कर तो हालांकि इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा T20 मुकाबला गुवाहाटी के बारासपारा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। हालांकि इस पिच पर बल्लेबाजों के लिए काफी मददगार भी होती है। इस पिच पर हालांकि फास्ट बॉलरों को शुरुआती ओवर में भी कुछ हद तक मदद मिलती है, लेकिन स्पिनर बॉलर को 10 ओवर के बाद हालांकि जैसे मैच आगे बढ़ता है उस हिसाब से स्पिनर बॉलर को मदद मिलती है। हालांकि यहां की ग्राउंड भी आउटफील्ड काफी तेज है। तो फ्रेंड्स बात कर तो हालांकि इस पिच पर जो भी टीम टॉस जीतेगी वो पहले गेंदबाजी करना पसंद करेगी क्योंकि इस पिच पर रन चेस करना आसान भी होता है। अब वही फ्रेंड्स बात करते हैं बोर्ड टीम प्लेइंग 11 की यानी कि दोनों टीमों की कौन सी खिलाड़ी को मौका मिलने वाला है। तो फ्रेंड्स पहले बात करते हैं टीम इंडिया की प्लेइंग 11। तो पहले नंबर पर यशस्वी जायसवाल है, दूसरे नंबर पर ऋतुराज गायकवाड़, तीसरे नंबर पर कप्तान सूर्य कुमार यादव, चौथे नंबर पर तिलक वर्मा, पांचवें नंबर पर विकेट कीपर ईशान किशन, छठवें नंबर पर रिंकू सिंह, 7वें नंबर पर मुकेश कुमार है, 8वें नंबर पर अर्शदीप सिंह, 9वें नंबर पर प्रसिद्ध कृष्णा, वही 10वें नंबर पर रवि बिश्नोई है, तो 11वें नंबर पर अक्षर पटेल है। तो यह फ्रेंड्स टीम इंडिया की प्लेइंग 11 जो कि ऑस्ट्रेलिया टीम का सामना करने उतरेगी मैदान पर। अब वही फ्रेंड्स बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया टीम की प्लेइंग 11 क्या रहने वाली टीम इंडिया के सामने। तो पहले नंबर पर स्टीव स्मिथ, दूसरे नंबर पर मैथ्यू शॉट, तीसरे नंबर पर ऑरन हार्डी, चौथे नंबर पर जोस इंग्लिश, तो पांचवें नंबर पर मार्कस स्टोइनिस, छठवें नंबर पर टिम डेविड, सातवें नंबर पर मैथ्यू वेट कप्तान प्लस विकेट कीपर, आठवें नंबर पर नाथन एलिस, नौवें नंबर पर जैसन बहरनडॉफ, तो 10वें नंबर पर सीन एबॉट, तो 11वें नंबर पर तनवीर सांगा। तो यह फ्रेंड्स ऑस्ट्रेलियाई टीम की प्लेइंग 11 जो कि टीम इंडिया का सामना करने उतरेगी मैदान पर। अब तीसरा T20 मुकाबला दोनों टीमों के बीच कड़ाके की टक्कर होने वाली है। यह मुकाबला करो या मरो का होने वाला है क्योंकि यह तीसरा मुकाबला अगर टीम इंडिया जीत गई तो 5 T20 मैचों की सीरीज का यह मुकाबला, हालांकि जीतने के बाद टीम इंडिया अपना यह सीरीज जीत जाएगी।
तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं मैच प्रेडिक्शन की, यानी कि कौन सी टीम जीतेगी और कौन सी टीम हारेगी। हालांकि फ्रेंड्स दोनों टीमों के आंकड़े भी देखा जाए तो टीम इंडिया का पलड़ा भी भारी नजर आ रहा। हालांकि इसमें अभी तक दो मुकाबले खेले जा चुके हैं जिसमें टीम इंडिया ने दोनों ही मुकाबलों में बाजी मारी है। तो फ्रेंड्स आप कमेंट बॉक्स में प्लीज जरूर बताएं कि कौन सी टीम जीतेगी और कौन सी टीम हारेगी। हालांकि इसमें ज्यादा चांस है टीम इंडिया को जीतने की। तो फ्रेंड्स अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें।